तो आज जन्माष्टमी और सुबह उठ के काफी सारे काम थे, पूजा करने में काफी टाइम लग गया और सर धोने के बाद ना ये मैंने अपनी कॉटन की ऐसी शर्ट लपेटी हुई है। अभी बस अपने हेयर काफी हद तक ड्राई हो गए तो अच्छे से ड्राई करने वाली हूँ। और अभी मैं आलू बॉईल कर रही हूँ और साथ में बना रही हूँ खीर। कान्हा जी को खीर बहुत पसंद है और जन्माष्टमी में हम लोग एवरी ईयर घर पे खीर जरूर बनाते हैं, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी मैं खीर बना रही हूँ। और उसके बाद आज काफी सारी सेलिब्रेशन होने वाली है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इन दिस ब्लॉग। शालिन आपने क्या पहना है? लहंगी नहीं, लहंगा। शालिन का आउटफिट है ये, मैंने लिया था जयपुर से। लास्ट ईयर यही सोच के लिया था कि जब भी जन्माष्टमी होगी तब बनाऊंगी। तो अभी थोड़ी दिनों पहले ही जब राखी का फेस्टिवल था ना, तब मैं सारे सामान वगैरह निकाल रही थी और आउटफिट बाहर निकल गया था और मैंने कहा भाई यार एकदम सही टाइम पे बाहर आया है कि अब मैं उसको आराम से पहना सकती हूँ। तो शार्लेट एकदम अपनी राधा रानी बन के पूरे घर में घूम रही है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को रेडी करके देखना। और अभी अभिषेक का काम पे जाने का टाइम हो रहा है क्योंकि 12:15 हो गए हैं, ऑलमोस्ट आधी तैयारी हो चुकी है। आलू मैंने बॉइल कर लिया है, खीर बस ऑलमोस्ट बन के रेडी है और अभी मैं सोच रही हूँ मैं जाकर मंदिर डेकोरेट करूँ जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है जन्माष्टमी का। तो मंदिर डेकोरेट करने चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी छोटी सी डेकोरेशन जो मैं करने वाली हूँ अपने कान्हा जी के लिए। तो नो मैटर आपका दिन जितना मर्जी हेक्टिक चल रहा हो, अगर आपका फास्ट हो बट आपको फैमिली के लिए तो खाना बनाना ही है, तो सबके लिए मैंने लंच बनाया था। छुके हुए मैंने आलू बनाए थे क्योंकि आलू तो मैंने मॉर्निंग में बॉईल कर लिए थे जो रात को पकोड़े बनाने हैं उसके लिए। तो तेल में जीरा डाला मैंने, राई ऐड करी, थोड़ी हींग ऐड करी और नमक मिर्च हल्दी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करा और उसमें बॉइल्ड पोटैटोस डाल के उनको अच्छे से सबको मिक्स करने के बाद लास्ट में उस पर धनिया डाल दिया। और इन द मीन टाइम मेरी खीर भी बन के रेडी हो गई थी। तो ये कुछ बर्तन थे जो मैं स्पेशली लेके आई थी अपने कान्हा जी के लिए, तो उन्हीं बर्तनों में मैंने उनके लिए खाना सजाया और साथ में सनी और शार्लेट के लिए जल्दी जल्दी रोटी बना दी और उनको अच्छे से मैंने लंच करा दिया। तो हम लोग ये कि हुला हूप लेके आए थे, अभी मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ जो मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है हूप वैसे ही डेकोरेशन हो। तो मैं पहले इसको अच्छे से पहले फ्लावर से अच्छे से लगाने वाली हूँ, पूरा भरने वाली हूँ एंड देन मैं इसको हैंग करने वाली हूँ। तो मैं बस मैं जल्दी जल्दी करती हूँ एंड देन आपको दिखाती हूँ। डेकोरेट किया है हम लोगों ने थोड़ा अपना DIY प्रोजेक्ट लगा के। अभी इस पे शाम को कान्हा जी विराजमान होंगे अपने झूले पे और ये मैंने बनाया है उनका भोग रखने के लिए जगह। तो मंदिर एकदम बहुत ही सुंदर सा सज गया है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये शाम को इतने कपड़े क्यों निकाल रही हूँ, तो आप विश्वास नहीं करोगे, शार्लेट के 5 दिन के गंदे कपड़े। आजकल पता नहीं इसको क्या इतना शौक आया है हर थोड़ी देर में कपड़े बदलने का, हर थोड़ी देर में कपड़े बदलने का। और जब तक मैं जाके पता करती हूँ तब तक ये कपड़े बदल चुकी होती है, तो इस वजह से इतने सारे कपड़े हो गए हैं। और ये सारे कपड़े मुझे इसलिए भी वॉश करने हैं क्योंकि कल हमें शार्लेट के स्कूल जाना है। तो शार्लेट का स्कूल स्टार्ट होने वाला है मंडे से, बट हमें कल पहली बार स्कूल जाना है उनसे, टीचर से मिलने और देखने स्कूल कैसा है, क्लासरूम कैसी है, सब चीजें चेक करने के लिए हमें जाना ही है। तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है और अभी जल्दी है, 10 बजे हमें पहुंचना है वहां पे। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा मैं कपड़े वगैरह वॉश करके सुखा के अच्छे से रख दूं, क्योंकि भाई साहब जो घर में पहनने कपड़े तो छोड़ो, जो बाहर पहनने के कपड़े वो भी सारे घर में पहन डाले 5 दिन के अंदर अंदर। तो आज भी सुबह मैंने उसको उठते पहले फ्रॉक बनाई थी, तो फ्रॉक पहनने के बाद उसको ये था कि मैंने सूट पहना है तो उसको भी कुछ पहनना है, तो इसलिए मैंने फिर उसको राधा रानी बना के ऐसे लहंगा बनाया। और उसके बाद उसने अपने फिर कपड़े चेंज करे, तब उसने शाम को फिर फ्रॉक पहनी एंड देन अब दोबारा से उसने शॉर्ट्स पहन लिए। तो 4 जोड़ी कपड़े अभी सुबह से भी हो चुके हैं। तो ये कपड़े काफी सारे थे तो मैंने सोचा कि इनको जल्दी जल्दी मैं वॉश कर दूं और कल फिर दिक्कत ना हो और इस पूरे आने वाले हफ्ते अब दिक्कत ना हो। और वैसे भी मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करने वाली थी कि अब से मैं वीडियो डाले करूंगी हफ्ते में 2 बार। पहले डाले करूंगी मैं मंडे को और जो फ्राइडे को वीडियो आती है ऐसे ही फ्राइडे को डाले करूंगी इंडिया के टाइम के हिसाब से शाम को 7 बजे। तो आई होप आपको अब और भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे कि मंडे वेंसडे फ्राइडे वीडियो डालो। तो अभी भी हफ्ते के 3 दिन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट हाँ हफ्ते के अब 2 दिन मैं वीडियो डालूंगी और आशा करूंगी कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। और ना हम शार्लेट का स्कूल बैग भी लेके आए हैं कल जाके, और स्कूल के पानी की बॉटल, लंच बॉक्स, बड़ा मजा आता है ना ऐसे बच्चों की चीजें वगैरह लेने में, तो वो सारा सामान लेके आया। मैं आपको अभी दिखाती हूँ सारा सामान भी, बट उससे पहले जल्दी से कपड़े वॉश करने डाल दूं क्योंकि अभी ऑलरेडी 6:30 बज गए हैं और कपड़े धुलते सूखते कम से कम 8 बज ही जाएंगे बहुत आराम से। तो जल्दी से सारा काम करती हूँ और शार्लेट का स्कूल बैग वगैरह भी सब दिखाती हूँ और दिखाती हूँ अपना खूबसूरत सा मंदिर जो मेरी आंखों के आगे और बहुत प्यारा लग रहा है।
ये मालपुए की ना सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स की बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है। मैं सारे मेजरमेंट आपको भी बताने वाली हूँ और बहुत ही यमी बने थे, तो चलो आइए मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करती हूँ। बड़ी क्विकली बनने वाली ये डिजर्ट है। तो मालपुए बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, आधा कप मैंने फिर सूजी डाली है और 1/4 कप चीनी डाली है। चीनी आप बहुत कम ही डालना, वैसे भी मैंने 1/4 भी कम्प्लीटली नहीं डाली है। और उसमें बहुत सारी सौंफ डाली है क्योंकि मालपुए में ना सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहो तो इलायची भी ऐड कर सकते हो, बट अगर आपके पास मिल्क पाउडर है ना तो आप मिल्क पाउडर जरूर डालना, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। पहले मैं मिल्क पाउडर डालती थी, सिंस है नहीं तो इसीलिए अब मैं बिना मिल्क पाउडर के बना रही हूँ। और अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ और दूध को मैं अच्छे से इसमें मिक्स करने वाली हूँ। और एकदम बैटर लाइक कंसिस्टेंसी जब इसकी बन जाएगी तब इसको 10-15 मिनट्स के लिए रेस्ट कराना है और उसके बाद हम देसी घी में बनाएंगे गर्मा गर्म मालपुए। तो जब तक बैटर को मैंने रेस्ट कराया तब तक मैं चाशनी बना रही हूँ। 1 कप मैंने शुगर लिया है और उसमें 1/2 कप मैंने डाला है पानी और उसमें मैं थोड़ी सी ऐसे इलायची तोड़ के डाल दूंगी। और अगर आपके पास केसर है तो केसर जरूर ऐड करना, मेरे पास केसर था ही नहीं और मेरे को बिल्कुल ग्रॉसरी शॉपिंग करते याद ही नहीं रहा कि मुझे केसर भी लेना है, तो केसर जरूर ऐड करना और अच्छा टेस्ट आएगा केसर से। तो यही मेरे पास जो व्रत वगैरह और पूजा का खाना होता है इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा देसी घी डाला है और एकदम बाइट साइज छोटे छोटे मैंने इसमें मालपुए बनाए हैं। अगर पैन थोड़ा सा और चपटा होता नीचे से तो मैं मालपुए थोड़े बड़े बना पाती, बट इसके अंदर मैंने बहुत छोटे छोटे बड़े क्यूट से मालपुए बनाए हैं कान्हा जी के लिए अपने। और उसके साथ ही मैं जब तक वो अच्छे से फ्राई होते, क्योंकि बहुत कम आँच पर उनको पकाना होता है कि अच्छे से मैदा ढंग से पक जाए, और साथ में मैं एकदम चटपटी धनिया पुदीने की बना रही हूँ चटनी। और ये देखो मेरा एक टिपिकल हैक छोटी हाइट वालों के लिए, टोंग यूज़ करो सारा सामान उतारने के लिए अपने किचन में। छोटे छोटे बाइट साइज मालपुए बना लिए थे और मैंने सोचा खीर और मालपुए बना लेती हूँ। पता नहीं कहाँ से शार्लेट ने मेरे को बोला मम्मा आपने कान्हा जी के लिए लड्डू नहीं बनाए, तो इसलिए बस मैं बेसन भून रही हूँ अच्छे से उनके बेसन के लड्डू बनाने के लिए। और उसके बाद बस मैं डन करूंगी, मैंने हरी चटनी बना ली है। रात को कुट्टू के आटे के पकौड़े बनाने हैं मैंने बस, और उसके बाद काम सारा डन। आज एक्चुअली यहाँ थर्सडे है और कल फ्राइडे है, और फ्राइडे को मेरा ब्लॉग लाइव जाना होता है, नाइग्रा फॉल्स का ब्लॉग आने वाला है जो आपने अब तक तो देख लिया होगा जब तक ये वीडियो आई होगी। तो वो ब्लॉग की अभी भी थोड़ी एडिटिंग रहती है और ऑलरेडी 8:30 बज गए हैं और काम अभी बस ऑलमोस्ट डन होने वाला है। कान्हा जी का बर्थडे ऐसा फील होता है जैसे अपने घर में अपने किसी बच्चे का ही बर्थडे, कितनी एक्साइटमेंट होती है। और काम जितना मर्जी कर लो सुबह से फास्ट है बट वो थकान नहीं होती, पता नहीं कैसे ऊपर से लग रहा है एकदम पावर आ जाती है पूरी। तो बस अभी बस हल्का सा है, बस बेसन ऑलमोस्ट डन हो गया। बेसन होने के बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी, और अगर आपको बेसन के लड्डू की रेसिपी देखनी है तो मैंने अपने रक्षाबंधन ब्लॉग में शेयर करी है, जरूर देखना, बहुत सिंपल और बहुत अच्छे बनते हैं। अभी तो मैं आपके सामने आप लड्डू बना रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, एक टाइम ऐसा था लड्डू तो बहुत दूर की बात है, मतलब मुझे बेसन का चीला भी एक ढंग से बनाना नहीं आता था। तो ये बात तो है कि आप जब भी शादी कर लेते हो, बच्चे वगैरह हो जाते हैं ना, तब आप सब चीजें सीख जाते हो। तो अगर आप इस प्रोसेस में हो ना कि आपको लग रहा है कि यार मैं नहीं कर सकती, तो हमेशा याद रखना अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं तो हमेशा यही देख के नई नई चीजें सीखती हूँ और हमेशा यही कहा जाता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बस जल्दी से लड्डू होने वाले हैं रेडी अब, और सारा काम हो गया डन। 12 बजे एग्जैक्टली हम लोग करेंगे पूजा, और उससे पहले हम कराएंगे स्नान, फिर उसके बाद उनकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग व्रत खोलेंगे अपना। किचन का तो फाइनली सारा काम डन हो गया, किचन में तो एटलीस्ट अब नहीं जाना, रात के 11 बज रहे हैं। मेरी ना कल ये ब्लॉग लाइव जाना है, जैसे मैंने आपको बताया फ्राइडे को जाता है ब्लॉग लाइव, बट अब से मंडे और फ्राइडे को जाया करेगा। तो मंडे और फ्राइडे इंडियन टाइम के हिसाब से मैं आपसे मिले करूंगी 7 बजे शाम को। तो अभी फिलहाल ये ब्लॉग मैं 2 दिन से एडिट कर रही हूँ, नाइग्रा फॉल्स का ब्लॉग है, इतनी एडिटिंग थी इस ब्लॉग में, काफी हद तक हो चुका है, बस थोड़े बहुत
वॉइस ओवर वगैरह देने हैं और वो मैं जल्दी से दे लेती हूँ, और उसके बाद फिर बस अभिषेक भी ऑन वे है, सनी भी ऑन वे है, दोनों आने वाले हैं, आगे पीछे आएंगे। आई थिंक 11:30 अभिषेक आएगा, 11:45 सनी आ जाएंगे। फाइनली टाइम हो गया है 12 और सब आ गए हैं काम से। सनी यहाँ पे, सनी राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय अभिषेक, राधे राधे। तो एग्जैक्टली 12 जैसी बचते हैं तब कान्हा जी को हम स्नान कराते हैं, इसमें दूध यूज़ करते हैं, दही, शहद, भूरा, ये सब चीज़ें, गंगा जल, ये सब चीज़ें से अच्छे से उन्हें स्नान कराते हैं, उनको प्यारे से कपड़े पहनाते हैं और फिर होती है आरती। कान्हा जी खा लो, खा लो, खा लो, खा लो, मम्मा ने बना के लाया, अब लड्डू भी खिला रहे, खा लो, खा लो, खा लो। बहुत मजा आया, कैसा लगा अभिषेक? बहुत अच्छे से पूजा हो गई, अब हम लोग कुछ खाएंगे, मेरे को बहुत भूख लग रही है। बहुत अच्छे से जन्माष्टमी का हमारा फेस्टिवल हो गया है और अभी सब लोग सोने चले गए, अभिषेक सो गया है, शार्लेट सो गई है, सनी और मैं बैठ के अभी करने वाले हैं डिनर। मैं तो अपना व्रत खोलने वाली हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं दिखा देती हूँ मैं डिनर में क्या खाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो बस एक शेयर नहीं करी थी, बाकी सबकी करी थी। तो ये मैंने ऐसे पकौड़े बनाए हैं कुट्टू का आटा डाल के, वो है, और साथ में मीठे है, तो आपने देख ही लिया व्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें मीठे खाने में, तो ये सब खाती हूँ। पहले चरणामृत पीना है मुझे और उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट दैट बिग लाइक बटन, और अब से मिलेंगे एवरी मंडे एंड एवरी फ्राइडे। तो इस वीडियो के बाद हम लोग मिलने वाले हैं ऑन फ्राइडे, तो आई शेल सी यू एट 7 PM इंडियन टाइम। टेक केयर, बाय।